हेलो सिक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर फिफ्थ ऑफ द हिस्ट्री, राइट। इन दिस टुडे वी विल कंप्लीट फोर क्वेश्चंस। व्हाट आर द टीचिंग ऑफ इस्लाम, व्हाट इज द कोर ऑफ पारसी थिंकिंग एंड राइट सॉल्ट नोट्स आर्य सत्यास एंड पंचशील। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट आर द टीचिंग ऑफ इस्लाम, द आंसर विल बी ऑन द पेज नंबर 24। The teaching of Islam is that Allah is eternal, absolute, all-powerful and merciful. First point. The purpose for human existence is to worship Allah. This will be the answer. The teaching of Islam is that Allah is eternal, absolute and powerful and merciful. This means that Allah is very powerful. Allah jo hai bahut powerful hai. Purpose of human existence is to worship Allah. Matlab human existence ka main purpose kya hai? Allah ko worship karna, prayer karna. Is this clear? तो टीचिंग से लेके मर्सीफुल फर्स्ट पॉइंट, तो पर्पस से लेके अल्लाह सेकंड पॉइंट। टीचिंग से मर्सीफुल फर्स्ट, पर्पस से अल्लाह सेकंड, टू पॉइंट्स आंसर इट इज। नेक्स्ट विल बी व्हाट इज द कोर ऑफ द पारसी थिंकिंग, पारसी थिंकिंग का कोर क्या है। द आंसर विल एट द कोर ऑफ पारसी थिंकिंग आर थ्री मेन प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, तीन प्रिंसिपल कंडक्ट होते हैं, नेमली गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। At the core of Parsi thinking, there are three main principles of conduct, namely good thoughts, good words, and good deeds. This will be the answer of second question. Now, next will be, what do you mean by Arya Satyas? Write short notes on Arya Satyas. The answer is given here. Arya Satyas, there are four truths at the root of all human affairs. Human affairs mein four truths hai. They are called noble truths, jisko hum log noble truth hai, Arya Satyas bolte hai. Dukh, there is suffering in human life. Cause of dukh, there is a cause of suffering. दुख निवारण, इट इज़ पॉसिबल टू एंड सफरिंग। एंड प्रतिपाद मीन्स द वे लीड टू द एंड ऑफ सफरिंग। इज दिस क्लियर। तो आर्य सत्यास जो है फोर ट्रूथ रूट है ह्यूमन अफेयर्स के। दुख है सफरिंग, मतलब दुख मतलब सफरिंग होता है। कॉज ऑफ दुख, कॉजेज ऑफ सफरिंग। दुख निवारण, इट इज़ पॉसिबल टू एंड सफरिंग। एंड प्रतिपाद मीन्स द वे, दिस वे लीड टू द एंड ऑफ सफरिंग। दिस फोर पॉइंट्स विल बी द आंसर ऑफ आर्य सत्यास। नेक्स्ट विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचशील, पंचशील के बारे में लिखना है। द आंसर फॉर पंचशील विल बी गौतम बुद्ध आस्क्ड पीपल टू फॉलो फाइव रूल्स, द रूल्स वे आर कॉल्ड पंचशील। गौतम बुद्ध ने दो लोगों को बोला कि पांच रूल फॉलो करो, और पांच रूल को ही पंचशील बोला है। स्टे अवे फ्रॉम किलिंग एनिमल्स, एनिमल्स को नहीं मारना है, उसे दूर रहना है। स्टीलिंग, स्टे अवे फ्रॉम स्टीलिंग, चोरी से दूर रहना है। स्टे अवे फ्रॉम अनएथिकल कंडक्ट, गलत चीज़ों से दूर रहना है। स्टे अवे फ्रॉम टेलिंग लाइज, झूठ बोलने से दूर रहना है। Stay away from intoxicants, nashe se dur rehna hai. This will be the answer of Panchasila. Then students, you have to write the answer of question number 5, question number 6 and third ka first and second as a homework for today, and you have to memorize also. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.